सो हेलो एंड वेलकम बैक माय साइंस ओपीडिया के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसिड एंड बेसिस के पार्ट थ्री के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या होता है, साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि हमारे कॉपर और ब्रास के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर टिन की कोटिंग क्यों लगी होती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एसिड रेन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पहले सब टॉपिक की बात करते हैं जो कि है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम एसिड्स की बात करते हैं। दे आर सॉर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं, अगर हम उनको टेस्ट करेंगे तो वो खट्टे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था लेमन में सिट्रिक एसिड होता है तो टेस्ट खट्टा होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है तो टेस्ट खट्टा होता है, ठीक है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है टेस्ट खट्टा होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इट टर्न्स ब्लू लिथमस रेड बट डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन रेड लिथमस पेपर। हमने इंडिकेटर्स की बात पिछली क्लास में की थी, जिसने क्लास मिस कर दी है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। क्लियरली सारी चीज़ें बताई हुई इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर क्या होता है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, क्या क्या चेंज आता है उनको जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में टेस्ट करते हैं, तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में लिथमस पेपर डालते हैं, ब्लू लिथमस पेपर डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, लेकिन जब हम रेड लिथमस पेपर डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगली चीज, डू नॉट इफेक्ट टर्मरिक सॉल्यूशन या टर्मरिक पेपर। टर्मरिक जो है हल्दी का, जब हम टेस्ट करते हैं हल्दी से एसिडिक सॉल्यूशन में, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर हम टर्मरिक पेपर जो है उसमें अगर टेस्ट करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, डालते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, तो उसके कलर में कोई बदलाव नहीं आता है। ये टर्मरिक सॉल्यूशन हम डालते हैं तो उसके सॉल्यूशन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। अगली चीज, डू नॉट अफेक्ट फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो है इसमें भी कोई चेंज नहीं आता है जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं। इसके कुछ ड्रॉप्स अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन इनटू डीप पिंक इन कलर। चाइना रोज सॉल्यूशन जो कि लाइट पिंक होता है, जब हम इसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं या एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम इसके कुछ ड्रॉप्स डालते हैं चाइना रोज सॉल्यूशन के, तो क्या होता है, ये डीप पिंक इन कलर हो जाता है। जो सॉल्यूशन का कलर है वो डीप पिंक हो जाता है, गहरे रंग पिंक रंग का कलर, जिसको हम मैजेंटा कहते हैं, वो कलर इसका बन जाता है। अगली चीज, मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4, HCl, HNO3 आर हाईली कोरोसिव एंड कॉज पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। ये जो एसिड्स होते हैं ये स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए कोरोसिव भी हैं, हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं, और अगर स्किन पे कहीं टच हो जाते हैं तो स्किन बर्न्स हो जाते हैं, जिससे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अगली चीज़, मोस्ट ऑफ एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड्स जो होते हैं ज़्यादातर पानी में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल हैं। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं, जब इनको हम वाटर में बनाते हैं एसिड सॉल्यूशन को, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं। अब बारी आ जाती है बेसिस की। तो सबसे पहली चीज़, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। जो हमारे बेसिस होती हैं इनका टेस्ट बिटर होता है, जैसे सोप सॉल्यूशन की मैंने बात की थी, जैसे मैंने बात की थी अनराइप मैंगोज़ की बात की थी, आंवला की बात की थी, तो इनमें बेसिस हैं तो ये क्या है, बिटर हैं, कड़वी होती है। दूसरी चीज़, दे टर्न रेड लिथमस ब्लू बट डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन ब्लू लिथमस पेपर। रेड लिथमस जो है, रेड लिथमस सॉल्यूशन और रेड लिथमस पेपर जो है उसको ये ब्लू में कन्वर्ट करती हैं, ब्लू में तब्दील करती हैं, कलर चेंज आता है इसमें। लेकिन जब हम ब्लू लिथमस पेपर से किसी बेस को टेस्ट करते हैं, किसी बेस को चेक करते हैं कि ये बेस है या एसिड, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगली चीज़, टर्न येल्लो टर्मरिक सॉल्यूशन इनटू रेडिश ब्राउन इन कलर। अगर हमारे पास येल्लो जो टर्मरिक सॉल्यूशन जो येल्लो इन कलर है, या टर्मरिक पेपर जो येल्लो इन कलर है, अगर हम उससे टेस्ट करेंगे किसी बेस को, तो क्या होगा, हमारा जो बेस का जो सॉल्यूशन का कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो पेपर है, अगर हम पेपर से टेस्ट करते हैं, तो हमारा पेपर जो है वो रेडिश ब्राउन इन कलर हो जाएगा। अगली चीज, दे टर्न फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन पिंक इन कलर। बेसिस में जब हम फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, ये पिंक इन कलर हो जाता है, जो सॉल्यूशन का कलर है वो पिंक हो जाता है, यानी कि गुलाबी रंग का सॉल्यूशन बन जाता है। अगली चीज, दे टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन ग्रीन इन कलर। बेसिस में जब हम चाइना रोज सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, चाइना रोज सॉल्यूशन से बेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये उसका कलर ग्रीन कर देती है, यानी कि हमारे पास अगर चाइना रोज सॉल्यूशन है उसके कुछ ड्रॉप्स हम बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे किसी, तो क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। स्ट्रांग बेसिस, जैसे एसिड्स में था वैसे ही यहाँ बेसिस में भी है। स्ट्रांग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हाईली कोरोसिव इन नेचर।
ये भी हाईली कोरोसिव हैं और हमारी स्किन पर ब्लिस्टर्स काज करती हैं, ठीक है। अगली चीज, मोस्ट ऑफ बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर क्या था एसिड में कि ज़्यादातर एसिड जो हैं, मोस्ट एसिड्स जो हैं वो सॉल्युबल हैं, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो बेसिस हैं वो इनसॉल्युबल हैं, वो डिजॉल्व नहीं होती हैं। ऑल बेसिस आर स्लिपरी इन टच लाइक दैट ऑफ सोप। सभी बेसिस जो हैं ऑलमोस्ट स्लिपरी होती हैं, जब उनको टच करते हैं तो उनका फील जो है वो स्लिपरी आता है, यानी कि फिसलने वाली होती हैं। तो ये हो गया जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो अब हम अपने दूसरे सब टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है कि हमारे जो कॉपर या ब्रास के बर्तन हैं उसके ऊपर टिन की कोटिंग क्यों लगी होती है। तो चलिए अब दूसरे सब टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारे जो ये बर्तन होते हैं, कॉपर और ब्रास के बर्तन स्पेशली, इनके ऊपर एक कोटिंग रहती है टिन की, जिसको हम कहते हैं कलाई। अब कलाई क्यों जरूरी है? अगर हम खाना बनाएंगे उन बर्तनों में जिनमें कलाई की कोटिंग नहीं होती है, कॉपर और ब्रास के वो बर्तन जिनमें कलाई की कोटिंग नहीं होती है, तो क्या होता है? सबसे पहली चीज क्या होगी कि हमारा जो कॉपर है वो रिएक्ट करेगा उन ऑर्गेनिक एसिड से जो हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। और क्या होगा उससे क्या होगा कि कॉपर जो है वो क्रोड होने लगेगा, उसकी क्रोजिंग शुरू हो जाएगी, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या होगी, हमारे जो ये ऑर्गेनिक एसिड फूड आइटम्स में हैं वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके कुछ साल्ट्स बनाएंगे जो कि पॉइजनस इन नेचर हैं, और ये साल्ट्स कहां जाएंगे, ये हमारे फूड आइटम में आएंगे, उससे क्या हो सकता है, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो हम फूड पॉइजनिंग से बचे रहेंगे, साथ ही साथ क्या होगा कि हमारा जो क्रोजन ऑफ कॉपर है वो भी नहीं होगा अगर हमारे पास कलाई लगी होगी उन बर्तनों में। आजकल ज्यादातर बर्तन जो है वो स्टेनलेस स्टील के आते हैं, जिनके ऊपर ये कोई झंझट नहीं है, ये कोई कलाई की चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें जंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात आ जाती है एसिड रहन की। अब एसिड रहन आपने टर्म सुनी है या नहीं सुनी है, अगर नहीं सुनी है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, यहां मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा एसिड रहन क्या चीज है। अब देखिए, हम लोग कंटिन्यूसली कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब इससे बहुत सारे गैशियस प्लूटेंट निकलते हैं। जो मेन गैशियस प्लूटेंट हैं वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस हैं जब ये एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, H2O हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं वाटर वेपर्स। जब ये गैसेस उन वाटर वेपर्स से जाकर मिलती हैं और उनमें डिजॉल्व हो जाती हैं, यानी उनसे रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर से, तो बनाती हैं एसिड्स। जैसे जब SO2 रिएक्ट करेगी वाटर वेपर से तो बनाएगी H2SO4, जब NO2 रिएक्ट करेगी तो बनाएगी HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर वेपर से तो बनाएगी कार्बनिक एसिड यानी H2CO3। जब ये एसिड जो हैं हमारी बारिश के साथ, रैन के साथ हमारी सरफेस पर आते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिड रैन। डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है, व्हेन रैन वाटर कंटेंस एसिड मोर देन नॉर्मल अमाउंट्स इट इज टर्म्ड एज एसिड रैन। यानी कि बारिश जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है नॉर्मल से, उसको हम कहते हैं एसिड रैन। अब एसिड रैन के नुकसान क्या क्या है? पहली चीज, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि एसिड रैन से वहाँ का उनका जो वाटर बॉडी का जो पूरा वाटर है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिससे उनकी लाइफ जो है वो खतरे में आ जाएगी। बहुत सारे जानवर, वाटर एक्वाटिक बॉडीज के बहुत सारे जानवर मर जाएंगे। दूसरी चीज़, इट डैमेज फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स। क्रॉप्स और फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि लीव्स जो हैं वो जल जाएंगे एसिड से, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो पेड़ जो हैं बहुत सारे पेड़ सूख जाएंगे, फसलें तबाह हो जाएंगी। अगली चीज, मेटल स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचेगा। अब मैंने कहा था कि ये जो H2SO4 है या सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये बहुत हाईली कोरोसिव एसिड्स हैं, इनसे जंग लगता है। तो जब एसिड रैन आएगी तो जो मेटालिक स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो पेंटेड नहीं है तो क्या होगा, उनमें जंग लगेगा, ठीक है, तो उनकी क्रोजन होगी। अगली चीज, सरफेस ऑफ मार्बल बिल्डिंग्स। हमारे जो स्टोन है, मार्बल स्टोन, ये होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जब एसिड रैन इस पर पड़ती है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और उससे क्या होता है, इनकी जो शाइन है, इनका जो लुक है वो डल होने लगता है आहिस्ता, यानी क्रोजन हो जाती है उस पत्थर की, मार्बल की क्रोजन हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उसकी शाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। जैसे कि अभी ये जो प्रॉब्लम है वो ताजमहल के साथ हो रही है, ताजमहल के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और एसिड रैन की वजह से उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम हो रही है।
तो ये तो हो गया आज की क्लास की बात, चलिए अब आज के क्विज की बात कर लेते हैं। आज के क्विज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि जब हम फिनोप्थ्रिन सॉल्यूशन को, फिनोप्थ्रिन इंडिकेटर के सॉल्यूशन को एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंज आता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, जब हम टर्मरिक पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब बात करेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। बाय बाय।